मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्थान में चुनावी सभा और रोड शो के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और सीएम गहलोत अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं वाले बयान पर कहा कि वो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं। उनके बेटे में कौन सी योग्यता है जिसे उन्होंने बीसीसीआई सचिव बनाकर रखा है? दूसरों के बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं? अपने बेटे के बारे में बताओ कि उसमें कौन सी योग्यता है। राजस्थान में संबोधित करते हुए अमित शाह कह रहे थे कि सीएम गहलोत अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई राजस्थान की जनता के लिए नहीं सोच रहा। वो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं? अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, दूसरे के बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं? अपने बेटे के बारे में बताओ, उसमें कौन सी योग्यता है जिसमें उन्होंने बना रखा है? है और एक नाथद्वारा में आम सभा है, दोनों संबोधित करके आऊंगा। आज आखिरी दिन है और उसके बाद फिर तेलंगाना कार्यक्रम बन रहा है, वहां भी जाना है। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि 50 से 55 सीटों पर बीजेपी के विधायक सामने आएंगे, दावा कर रहे हैं। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया, अब काहे अब कहां से आ जाएगा? तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बंधाने के लिए ये करे, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या? जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, रमन सिंह जी आज डीए बढ़ाने के लिए उन्हें पत्र लिखा था कि रेलवे में क्यों पत्र नहीं लिखते? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, रेलवे के लिए भी पत्र लिखे ताकि सही समय में चले और बंद ना हो। रेलवे में भर्ती भी है, उसके लिए भी चिट्ठी लिख दे तो कुछ युवाओं का भला हो और कुछ।